हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन डाइपोल एक्सिस। मतलब अगर मेरे पास कोई डाइपोल है, जैसे मेरे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है, H प्लस यहाँ पे है, Cl नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं H प्लस और Cl नेगेटिव जो आयंस हैं, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो करेंगे कहाँ पे, ऑन द डाइपोल एक्सिस पे, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, टॉपिक के मुताबिक हमने क्या बनाया, डायग्राम बनाया। इसने क्या बोला, डायपोल। तो यहाँ मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है। और आपको पता है जो ए बी है वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस टू ए, और सेंटर जो होगा इसका ओ, ठीक है। तो जो ओ ए है वो इक्वल है किसके, ओ बी के, वही कितना हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है। अब देखो डाइपोल एक्सिस का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, हम पहले पढ़ चुके हैं फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ। द एक्सिस विच जॉइंस बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल, वो एक्सिस जो डाइपोल के दोनों ही चार्जेस को क्या करे, ज्वाइन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो पॉइंट बी से आगे आप जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सिस एक्स आएगा, ठीक है। इस ये जो एक्सिस हमारे पास बन गई ए एक्स, इससे हम क्या बोल सकते हैं, डाइपोल एक्सिस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस एक्सिस के ऊपर हम कहीं भी एक पॉइंट लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी है, बच्चों इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ हमें बताना होता है साहब नेट EFI कितना होगा, ओके। अब देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, ओरिजिन जो होता है वो, इसकी डिस्टेंस ए से आ चुकी है, बी से आ चुकी है, दोनों ही सेम है, बचा पी। तो देखिए, ओ से पी तक की डिस्टेंस को हमने माना स्मॉल आर, ओके। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो दो चार्ज है हमारे पास, तो दो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। क्यों होंगी, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं वी नो डैट EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इज कितना होता है, E इक्वल टू में कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या हम यू कहें के इंटू में क्या, चार्ज अपॉन में क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, फिर आपको मैंने सिखाया भी था इसको कैसे पढ़ते हैं, हर फॉर्मूले का पढ़ने का एक तरीका होता है, कि लैंग्वेज होती है। देखो कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, ओके। अब देखिए, तो हमें यहाँ मानना पड़ता है हमारे पास यहाँ पर कितनी EFI होंगी, दो EFI होंगी। लेट EFIs इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर E1, E2, हमारे पास दो EFIs हो चुकी है। सो अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, E1 हमें फाइंड आउट करना है, तो किसे फॉलो करेंगे, बेसिक फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। केस में कांस्टेंट है, चार्ज आ रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, Q रहेगा, नीचे क्या आता है, डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट बी पर, ठीक है। तो बी से पी तक डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें निकालना कहाँ पे है, पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना है नेट EFI को। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, BP, इट इज़ नॉट ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे देखो KQ, जहाँ पे क्या बनेगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, क्यों बनेगा बच्चों, ध्यान दो, अगर ये पूरी डिस्टेंस R है और ये OB कितना है, A है, तो कितना होगा BP, R माइनस A, ओके। अब देखिए, एंड E2 कैसा रहेगा, K इंटू में कैसा आएगा, माइनस का क्यों आएगा, E2 हमने किसके वजह से माना है बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो माइनस का KQ अपन में क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और हमें निकालना कहाँ पे है, पॉइंट पी पे, तो ए से पी तक डिस्टेंस मेजरमेंट होगी, मेजर होगी, तो क्या आएगा, AP का स्क्वायर। तो कितना बनेगा, माइनस का KQ अपन में R प्लस A का होल स्क्वायर, ओके। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, हमारे पास डाइपोल में क्या थे, दो चार्जेस थे, ठीक है, दोनों ही चार्जेस के वजह से हमने EFIs के फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए तो हमें करना क्या है, इन दोनों ही EFI को हमें करना क्या पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा नेट EFI के लिए, ठीक है। तो देखिए देन नेट EFI, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। तो देखिए जैसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को आप बच्चों पुटअप करोगे, तो जो बाय वाले बच्चे हैं वो ध्यान देना के क्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो के क्यू हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है। E1 में देखो फिर के क्यू जो बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंदर 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव दो क्यों आया बच्चों, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने डाइट कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको चलना है तो आराम से इन दोनों को वैल्यूज को पुटअप करना, कहाँ पे, यहाँ पे, तो अपने आप ही टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मेरे पास आ चुका है SM के लिए, आपको पता है ये टर्म यहाँ पे आएगी, ये टर्म यहाँ पे आएगी और ये टर्म दोनों टर्म नीचे क्या जाएंगे, इंटू हो जाएंगी। ध्यान दीजिए क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में कितना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा, आर प्लस ए और आर माइनस ए, इस पूरे का भी क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे इन दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर है, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो थोड़ा ध्यान दें, उन्हें प्रॉब्लम होती है अक्सर, ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का फॉर्मूले का होल स्क्वायर, तो क्या बनता है, 4ab, ठीक है। देखो बच्चों ये सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए क्या, बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आता है मैथ के अंदर, 4ab। तो देखिए बाहर तो मेरे पास क्या है, के क्यू है, तो 4 तो आएगा आएगा, ए का मतलब स्मॉल आर, बी का मतलब स्मॉल ए, तो 4ra, ठीक है। फिर देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाय वाले बच्चे ध्यान देना है ये बार दोबारा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ध्यान दो कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस में कितना, ए स्क्वायर में कितना, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका, लेकिन इसको इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए हम दो चीज़ें करेंगे, कितनी चीज़ें, दो चीज़ें। पॉइंट नंबर ए, हम यहाँ अप्लाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ डैपोल मोमेंट। डैपोल मोमेंट बच्चों आप लोग पढ़ चुके, पी कितना था हमारे पास, 2aq, तो देखो यहाँ देखो क्यू भी है, ए भी है, पर 2 नहीं है, तो पर 4 से हम 2 बना सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। तो देखिए तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान देना, इसको हमने लिखा 2k इंटू में 2aq, ठीक है, अपॉन में कितना, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर में कितना, होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इससे क्या बन जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी, तो आंसर कितना आएगा, 2kp, ठीक है। तो कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दो बच्चों, ध्यान रखो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो होता है वो जो कैपिटल स्मॉल जो आर होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे, ए से, क्यों होता है ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है 2a, जैसे H+ Cl नेगेटिव है मोलिक्यूल एक, तो डिस्टेंस जो होती है बॉन्ड लेंथ वो एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। तो स्मॉल a जो होता है ये इतना ही है, वो भी ये बहुत कम होता है किससे, r से, तो a का स्क्वायर भी बहुत कम होगा किससे, r स्क्वायर से। तो होता क्या है बच्चों, ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर की पावर क्या बनेगा, 4 बनेगा, मतलब आर की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, ठीक है। सॉरी बच्चों भी मिस्टेक हो गई, यहाँ देखो आर है ना, तो यहाँ भी आर आएगा, इधर भी आर, एक आर रह गया देखो वहाँ पे, है ना, एक आर रह गया, तो देखिए यहाँ पे आर रहेगा, तो एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर देखो बच्चों कितना आएगा, 2kp अपॉन में कितना, आर क्यूब, ठीक है, ये है। तो बच्चों ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि ये डायपोल ए बी प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पे, पॉइंट पी पर,
ठीक है। अब देखो बच्चों, लास्ट के अंदर हम करते क्या हैं, जो EFIs हैं E1 और E2, इन्हें हमें शो करना पड़ता है डायग्राम के अंदर। देखिए कैसे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होंगी, इमर्ज होंगी, तो पॉइंट पी की तरफ हम क्या करते हैं, इसको इमर्ज करवाते हैं, तो क्या लिखते हैं, E1 वेक्टर, ठीक है। फिर देखिए नेगेटिव चार्ज है, इस पर लाइन्स क्या होती हैं, आती हैं, तो यहाँ की तरफ कैसा होगा, E2 कैसा हो जाएगा, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये जो नेट EFI है बच्चों, ये तो हो गया इसकी वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। अब बची डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए डायरेक्शन कैसी आएगी इसकी, अलोंग द BP, अलोंग द BP डायरेक्शन आएगी। क्यों आएगी, ध्यान दीजिए, E1 ये रहा, E2 ये रहा, दोनों के फॉर्मूलों को आप थोड़ा मैच करो, डिस्टेंस आर माइनस से है, यहाँ पे क्या है, आर प्लस से है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो E1 क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आर प्लस से क्या है, ज़्यादा है, तो E2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इस डायग्राम के अंदर E1 बड़ा है किससे, E2 से, ठीक है। तो आपको पता है मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है, जब दो वेक्टर कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। अब E1 बड़ा है किससे, E2 से, तो E1 कहाँ जाना है, इस तरफ, तो नेट डायरेक्शन कहाँ बनेगी, टुवार्ड्स द पॉइंट पी, ठीक है, BP के अलोंग बनेगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा ए पार्ट हो चुका, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ओके। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बाद में।